सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या के मामले में अब विष्णोई समाज ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में जहां पर दूसरी पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं जो विष्णोई समाज के जिला अध्यक्ष है उन्होंने आज जिला कलेक्टर को सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो प्रकरण पूरा हुआ और उसके बाद में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसे देखकर क्या कहें? विष्णुदत्त विष्णोई सीआई एक बहुत ही होनहार, ईमानदार, जांबाज सिपाही थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर या जहां पर भी जिस भी स्थान पर उनकी नियुक्ति रही, उन्होंने जनता की इस तरह से दिल जीतने की कोशिश की और वो सफल रहे। उनकी वजह से तस्करों में, भूमाफियाओं में और हर तरह से असामाजिक जो तत्व थे उनकी वजह से एक दहशत का माहौल था और उन्होंने वहाँ की आम पब्लिक का दिल जीता। और ऐसा एक होनार जांबाज सिपाही अगर इसी स्थिति में पहुँचता है, आत्महत्या जैसी घटना ऐसा व्यक्ति कर नहीं सकता। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, राजनीतिक प्रेशर उन पे बनाया गया और उसी से ही हतोत्साहित होकर के ऐसा उन्होंने मार्ग है वो अख्तियार किया। पूरा विष्णोई समाज ही नहीं, 36 कौम के लोग उनको एक मसीहा के रूप में मानते थे। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है, निष्पक्ष जांच तभी संभव है और समाज को तभी संतुष्टि होगी कि सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए। अगर इसमें उन्होंने किसी तरह की आनाकानी की तो निश्चित रूप से समाज स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर बड़ा जबरदस्त जन आंदोलन होगा। और हमारा निवेदन पहले से स्वीकार करेंगे तो ये बेहतर होगा कि समाज में भी संतोष होगा, प्रशासन में भी, पुलिस प्रशासन में भी एक संतुष्टि होगी कि वास्तव में एक सूझबूझ के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई का अनुमोदन किया है, जांच का आदेश दिया है। तो समाज निश्चित रूप से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने दिन, जैसे 5-7 दिन बीत गए, अभी तक जो सरकार ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? कतई संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक प्रेशर इतना है, आज कोई भी अगर सिपाही वहां आता है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है तो उसमें एक राजनीतिक इतना प्रेशर है कुछ लोगों को बचाने के लिए, वो लोग उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं कि समाज का किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच होने की कहीं उम्मीद कतई है ही नहीं। इसीलिए निष्पक्ष जांच के लिए समाज इस तरह पे नहीं है, 36 कौम के लोग, चाहे राजनीति के लोग हैं, चाहे आम जो सेवक लोग हैं या आम साधारण जो जनता है वो भी इस मांग को कर रही है। इसलिए कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम आज हमने ज्ञापन दिया है कि सीबीआई जांच से वो निष्पक्ष हो ताकि समाज और क्षेत्र के लोगों को उससे राहत मिले, संतुष्टि मिले। किन नेताओं को बचाया जा रहा है जिसके लिए सरकार 5-7 दिन बाद भी इतना जबरदस्त तरीके से कैंपेन के बाद भी सीबीआई जांच मांग नहीं दे? मैं इस विषय में यही आपसे कहना चाहूंगा, जो लोकल वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि है, विशेष करके कृष्णा पुनिया, उन्होंने उसके कुछ ऐसे इस समय सोशल मीडिया पे फुटेज आ रहे हैं, उनको देख करके हर आदमी साधारण या साधारण से साधारण व्यक्ति भी अनुमान लगा सकता है कि उन लोगों की किस तरह की मानसिकता है, किस तरह से मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया। इसलिए लोगों को कतई इस समय जो इंक्वायरी हो रही है इस पे तसल्ली किसी को भी नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं सकता। इसलिए समाज स्तर पे तो किया ही जा रहा है, 36 कौन के लोग, चाहे अन्य विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने भी सीबीआई की मांग की है कि ये निष्पक्ष जांच हो सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके और विष्णुदत्त जी को है वो न्याय मिल सके, उनको परिवार को न्याय मिल सके। आप देखिए किस तरीके से साफ तौर पे जहां सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, वहीं विष्णोई समाज के साथ इनका कहना है कि 36 कौम अब अगर जो सीबीआई जांच नहीं होती है तो राज्य स्तर और देश स्तर पर आंदोलन करेगी, किसी भी हाल में न्याय दिलाकर रहेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।